मैं सुभय कुमार। दोस्तों 66 बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनल ने अपना बीपीएससी कटअप को जारी किया है, लेकिन मैंने 500 से करीब लोगों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड फोन्स के माध्यम से मैंने 2 दिन रुक कर मैं कटअप जारी करने का फैसला किया। दोस्तों इस बार के जो क्वेश्चंस हैं निश्चित रूप से पिछले साल से 1-2 नंबर कटअप को बढ़ाएगा, लेकिन ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोगों की जिस तरह की धारणा थी कि मैंने इतना बनाया और इतना बनाया, लेकिन जब वो धीरे धीरे चेक करने के लिए गए तो उनकी जो मार्क्स है जो कम होती गई, तो उस आधार पर इस बार का जो कट ऑफ है निश्चित रूप से 1-2 नंबर बढ़ेगा। क्या है कि वन सेक्शन ही थोड़ा टफ थे, जो साइंस के पोर्शंस जिसको कहा जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल थे, बनाने लायक थे, लेकिन कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यूआर का जो कट ऑफ है वो है जो मेल का 99 जाएगा और फीमेल का है जो 91 जाएगा, और जो निश्चित रूप से है जो इस बार 1-2 नंबर का कट ऑफ इंक्रीज होने जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में 96, इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निश्चित रूप से है जो थोड़ा बढ़ेगा पिछले बार से। बीसी का 96, ईबीसी का 94, एससी का 90 और एसटी का 91। एससी एसटी में थोड़ा सा है जो अंतर हो सकता है, लेकिन एक कुछ एससी एसटी स्टूडेंट हैं उनसे बात हुई है, उनके आधार पर है जो मैंने कट ऑफ बनाया है। अराउंड 500 स्टूडेंट का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप एंड अदर्स। टोटल स्टूडेंट इस बार करीब करीब 2,90,000 बैठे हैं और इस बार का जो कट ऑफ है वो इस प्रकार होगा। दूसरी बात कि जो 66 बीपीएससी मेंस देना चाहते हैं या पहले भी जो 40 डेज टेस्ट ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो है जो स्टार्ट होगा, अभी है जो एडमिशन स्टार्ट हुई है, कुछ दिन के बाद है जो इसका डेट है जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा 2-4-5 दिन में। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप है जो जुड़े रहिए, मेंस की अच्छी तैयारी कीजिए, आने वाला समय में आपकी भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए कमेंट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।